चौबीस साल का हूँ मैं पच्चीस रुपए महीने कमाता हूँ इसको अगर साढ़े आठ करोड़ रुपए बनाने हैं क्या ये बना सकता है बिल्कुल बना सकता है My name is Neeraj Arora. I am a teacher by passion and a chartered accountant by profession. मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ। 100 साल तक एक रुपया डिपॉजिट किया हर महीने। और पता है आपको उसका अमाउंट कितना बनता है? 650 oh! मैंने पच्चीस साल में काम करना शुरू किया था और बत्तीस साल की उम्र में वो फिगर मेरे पास था मेरी जेब में था जिसको मैं बोल सकता था कि अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है जो अभी हम अमाउंट दिखाएंगे आपको वो अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने एस आई पी डालनी है वो कितने अमाउंट की डालनी है वो भी बता दूंगा मैं ठीक है कुछ साल पहले एक रिसर्च आई थी कि इंडिया में अगर आप पच्चीस हजार रुपये महीना कमाते हो आप दस परसेंट लोगों में हो टॉप टेन परसेंट लोगों में और degree, टू सम डिग्री दिस स्पीक्स टू कि जो लेबर कॉस्ट है और जो लेबर वैल्यू इंडिया में वो कम है बट दूसरे एंड पे सर इसका मतलब ये ये है कि ये जो 10 है जो आदमी जीवन में कहीं जाएंगे नहीं। नहीं। इनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है नहीं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं मेरे को एक अभी एक बहुत अच्छे बिजनेस कोच मेरे उन्होंने एक बात बोली कि आ, पान की दुकान खोल लेना नौकरी मत करना राइट दुनिया भर की एडवाइस ये होती है रिस्क लो और मैं भी एक ऐसे कल्चर से हूं जहां रिस्क लो बट जो आदमी पच्चीस हजार रुपए कमा रहा है जिसके घर पे वो पैसा जाना है जिसको hmm. जिसकी सैलरी है उसके लिए इट इज नॉट दैट इजी ना hmm. वो आर्टिस्ट का जस्टेशन पीरियड सह सकता है इन दैट केस इस आदमी को अगर आगे जाना है hmm. क्या ये आदमी करोड़पति बन सकता है रिस्क मुझे लगता है बहुत ज्यादा ओवर है आपका जो मूट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई क्या एक पच्चीस हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर सकता है नहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकता है एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक सेकेंड सर वेल्थ को पुट अ स्पेसिफिक नंबर टू इट मैं मिलियनर होने की बात कर रहा हूं साढ़े आठ करोड़ रुपए आदमी कमा सकता है मैं चौबीस साल का हूं मैं पच्चीस हजार रुपए महीने कमाता हूं चौबीस का है पच्चीस हजार रुपए कमाता है पच्चीस हजार रुपए कमाता है इसको अगर साढ़े आठ करोड़ रुपए बनाने हैं क्या ये बना सकता है बिल्कुल बना सकता है अच्छा मैं आपको बताता हूं कि सिंप्लिसिटी को हम लोग ना इग्नोर करते हैं और सिंपलिसिटी में सारा जादू छुपा हुआ है सारा का सारा जादू उसी के अंदर छुपा हुआ है लोग बाग इस सिंपलिसिटी को क्यों नहीं फॉलो कर पाते उनको विश्वास नहीं होता कि पॉसिबल है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सोचते हैं ना वो चीज़ कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर स्टार्ट थिंकिंग ऑन एक्सेल स्टार्ट थिंकिंग ऑन वर्ड डॉक जो भी आप बनाना चाहते हो वह बनाओ उसमें अपने बारे में लिखो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के राइट पैर के जूते में चुबी हुई कील को तो जानते हैं लेकिन हम लोग अपने बारे में नहीं जानते और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सारा दिन यूट्यूब पर बैठ के अच्छा ओ हो इसकी इससे शादी हो गई इसकी इससे बात हो गई अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल रिस्क ले सकता है यार वैन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग मैं हमेशा डर के इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई थिंक वही मेरी स्ट्रैटेजी और वो मुझे कामयाबी बना रही है इन्वेस्टिंग में राइट right? कोई हो सकता है कि बोले भाई मेरे पास ये लाख रुपए पड़े हैं इसमें ना आग लगा के फेंक दो कहीं में मुझे कोई चिंता की बात नहीं है तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ मैं तैयार नहीं हूँ डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ मनी आई एम हैविंग विद मी मैं फिर भी एक लाख रुपए में आग लगाने को तैयार नहीं हूँ किसी भी हाल में एज फार एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज कंसर्न मैं एक रुपये भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करूँगा वहाँ पर तो मैंने अपने आपको समझा अपने आपको जाना रिस्क एपेटाइट समझना अपने बारे में समझना और जब आप ये जो प्लान बोल रहे हो ना कि एक रफ प्लान है आपके माइंड में सबके माइंड में एक रफ प्लान ही होगा बस उसमें जि जितनी ज्यादा हम लोग सर्टिनिटी लेके आ पाए आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी तो बोल ही नहीं सकते हम ऑडिट पढ़ाते हैं उसमें होता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस तो रीजनेबल है सब कुछ आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी से तो मैं यही नहीं बता सकता था कि मैं अगर मैं पाँच साल पहले बोलूँगा पाँच साल बाद क्या कर रहा हूँ क्या मैं 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 परसेंट से प्रिडिक्ट कर सकता था कभी नहीं तो आपको नियरेस्ट पॉसिबल एक प्रिडिक्शन अपने लिए बनानी है आपका फाइनेंशियल प्लान क्या होगा आपका फैमिली प्लान क्या होगा आप किस तरह के एसेट्स अपने पास देखते हो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें आप अपने आप से ही बात करो अपने आप को ही जानो और इन चीज़ों से आपको इतना इम्पैक्ट आएगा आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ पर आपकी और जनरल लाइफ पर भी क्या आप हैरान हो जाओगे कि आप धीरे 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 इम्प्रूव करते जा रहे हो कहा जाता है कि भाई अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज प्रॉब्लम क्या है अव अवेयर ही नहीं है तो चेंज तो कहाँ से ही होगा फ्रॉम वट आई अंडरस्टैंड ऑफ वॉट यूर से आपका ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक मेडिटेटिव स्पिरिचुअल प्रोसेस है क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है मेरे को सुन सुन के अवेयरनेस प्रोसीड चेंज एक्सेट्रा सुन के याद आया जब मैं सर अमेरिका गया था ना शुरू में और मेरे को वहां पे समझ नहीं आता था मैं लोगों से क्लासरूम्स में कैसे इंटरेक्ट करूं तो जब भी मैं लोगों से बात करके रात को घर आता था अपना पूरा दिन निकाल के आई वुड राइट और वो नोट्स मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया उसमें मैं लिखता था कि मैंने क्या गलती करी क्या सही किया और इसमें मैं क्या कर सकता था क्यों उनका रिएक्शन ये हुआ और वहां से ना मेरी इंस्टिंग भी फाइन ट्यून हुई प्लस जो डिस्करेजिंग मोमेंट्स थे जहां मेरा मजाक उड़ा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्लासरूम में वहां पर एक समता एक लेवल ऑफ कोई दिक्कत नहीं है जाने दो ये भी आ रहा है ये भी जाएगा टाइप mm. की फीलिंग आई और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि राइटिंग का प्रोसेस मेडिटेशन का प्रोसेस ये सब एक लेवल पे गोइंग डीपर इनटू योर साइकोलॉजी और, और अवेयरनेस वाले एंड पे है इंटरेस्टिंगली सर मेरे एक मेंटोर हैं ही इज नाउ मे बी 31 32 वेरी यंग है ना mm. और उनकी कंपनी अभी इज वर्थ ऑलमोस्ट लाइक टुवर्ड्स अ यूनिकॉर्न सो ही इज अ वेरी यंग यूनिकॉर्न बिल्डर वेरी वेरी

और एक मेरे को ऐसा लगता है जो आपने बात बोली बताना मेरे को सही समझ में आएगी नहीं हुँ, कि आपको हंड्रेड परसेंट सर्टेंटी नहीं होगी पर आप जैसे जैसे वक्त में आगे जाते जाओगे कुछ कुछ पोजिशन जो है वो क्लियर होती जाएंगी कि अब मेरा इसका आंसर ये है तो वो सेल्फ टॉक उस चीज के लिए हेल्प करती है और ये एक्सरसाइज एक चौबीस साल के आदमी को बेसलाइन लेवल पे शुरू कर देनी चाहिए बिल्कुल कर देनी चाहिए फिर क्या सर हाउ डज वन मेक द मनी ये तो साइकोलॉजिकल बात होगी ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रखंड कोई अब हाउ डज वन मेक द मनी सबसे पहले तो मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई अनिली ट्रेडिशनल स्कूल्स को बैश करना बंद किया जाए ये हमने ना आदत बना ली है कि यूनिवर्सिटी में हाँ। हाँ। जबरदस्ती हम लोग पकड़ते हैं कोई नहीं मिला चलो भाई इनको बैश कर ले वो बोलते नहीं ना वापस हाँ वो बोलते नहीं, हाँ। नहीं वापस एक्चुअली में तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल मैं चौबीस से भी पीछे जाता हूँ कोई अगर अपने अठारह उन्नीस साल की उम्र में तो भाई वो अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस रखे वो उसको दरकिनार ना करे क्यों एजुकेशन क्यों हाँ वो ऐसा ना सोचे कि प्रखर ने पॉडकास्ट करके जो है अपने पूरा एक अच्छा एम्पायर बना लिया तो मैं भी बना लूँगा एक्स वाई जी ने ये कर लिया तो मैं भी कर लूँगा प्रखर के पास भी एक एजुकेशन का बैकअप है राइट उसको पता है एक फॉल बैक प्लान है और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे को हम लोग बोलते हैं ना कंपाउंड होता है नॉलेज भी कंपाउंड होती है मैं आज भी स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें देखता हूं मेरे को बहुत इजी फील होता मैंने एक एनआईएस का पेपर दिया रिसर्च एनालिस्ट का मैं बिना पढ़े चला गया, और मैं पास हो गया उसके। hmm. मुझे रेशियोज पता है पढ़े तो, तो मेरी एजुकेशन मुझे हेल्प करती है सो फर्स्ट स्टेप इज कि भाई आप एजुकेशन को जबरदस्ती छोड़े ना आपको एजुकेशन लेने का मौका मिल रहा है कंप्लीट करें सी ए कर रहे हैं एसी सी ए कर रहे हैं एम बी ए कर रहे हैं चाहे आप किसी धक्का मार कॉलेज से कुछ कर रहे हैं करिए उसको कंप्लीट साथ में उसके आसपास क्या स्किल सेट हो सकता है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं बहुत दूर भी आप जा सकते हो मैंने कहीं मैं एग्जाम्पल दिया है सी करते करते लोग बाग शेफ़ बन गए वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बट सी के साथ आप और कौन सा स्किल ऐसा एक्वायर कर सकते हो

पच्चीस हजार रुपए से करोड़पति तक का सफर मेरे को बताइए सर उसके लिए स्टेप क्या की आपसे जानना चाहता हूँ दस परसेंट हाँ। पकड़ लिया मैंने अब अगर एक व्यक्ति अपनी एनुअल इनकम दस परसेंट से बढ़ाते रहते हैं और पच्चीस साल का है और पच्चीस हजार रुपए की उसकी सैलरी है आई एम श्योर कि अगर वो कोई फरीदाबाद की भाषा में बोलूँ तो हवाबाजी ना करे तो वो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट कर सकता है करोड़ रुपए क्रिएट कर सकता है कितने टाइम में कितने टाइम में वो अभी देख लेते हैं एक एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूँ ठीक है मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है ठीक है आप बोलो तो मैं उसका एक ना एक प्लान बनाने की भी कोशिश करता हूँ कि एक पच्चीस साल का व्यक्ति है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप बोलो तो नंबर भी हम निकाल सकते हैं कि आज उसका क्या खर्चा है दस साल बाद पच्चीस साल बाद जब वो रिटायरमेंट जाता है वो क्या खर्चा होगा क्या क्या खर्चा होगा निकाल सकता तो प्रखर जैसे आपने मुझे बोला था मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा है अपने पास मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक व्यक्ति है जिसकी एज है पच्चीस साल ठीक है राइट मैं इस समय आपके साथ जो मैंने शीट शेयर करी उसके फर्स्ट उस पर हूँ मैं जीरो वन एज जो मैंने नंबर कर रखा है बिल्कुल बिल्कुल सर रिटायरमेंट एज है उसकी फिफ्टी यानी उसके पास जो अभी रिमेनिंग एज बची है वो बची वो बची है पच्चीस साल की यानी वो पच्चीस साल और काम करना चाहता है ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है उसकी 85 इयर्स की यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि वो 50 साल का होने के बाद और 35 साल जो है वो जिंदा रहेगा और उसे 35 साल जो है वो अपने इंजॉय करके गुजारने जिसे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना है ये सारी बातें राइट ठीक है फिर मैंने उसको एक सिंपल सा मंथली एक्सपेंस कैलकुलेटर जो है यहाँ पे बनाया है और मुझे पता है यहाँ पे ना बहुत लोग बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे कि एक्सेल पे अमीर बन रहे हैं या फिर यू you नो know, ये रियलिस्टिक नहीं है मैं सारी चीज़ें बोलूंगा मैं सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में सो मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंस आप बताओ जो पच्चीस हजार कमा रहा है उसका एक्सपेंस आप पर मंथ मुझे बताओ क्या लू मैं पर मंथ कितना खर्चा कर रहा हूँ सर चालीस परसेंट दस दस बारह हजार बारह हजार लग बारह हजार लगा लेकिन बारह हजार रुपए वो खर्चा कर रहा है पच्चीस साल जो है उसके पास अभी बचे हैं रिटायरमेंट के लिए इन्फ्लेशन का रेट मैं मानकर चल रहा हूं आठ परसेंट है क्योंकि हायर साइड पे लिया है कोई छह बोलेगा कोई सात बोलेगा मैंने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी इसके अंदर इनकॉर्पोट करने की कोशिश करी है सारी चीजें मैं मिला रहा हूँ लगभग आठ परसेंट के आसपास अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसके बारह हजार का खर्चा यानी आज से पच्चीस पच्चीस साल बाद उसे एटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी टू रुपीज बयासी हजार रुपए पर मंथ जो है वो खर्च करने होंगे

अब बयासी हजार रुपए पर मंथ उसे पैंतीस साल तक चाहिए तो आज वो जो बयासी हजार हर महीने चाहिए अगले पैंतीस साल तक आज उसकी करंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाली है उसके लिए मैंने सिक्स परसेंट का रेट यूज किया डिस्काउंट करने के लिए ठीक है अब यहाँ पे देखो अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है और वो आने वाले पैंतीस साल तक हर महीने बयासी हजार रुपये निकालना चाहता है तो मैं आपको जो अमाउंट दिखा रहा हूँ वन करोड़ी सिक्स लाख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज ये अगर उसकी जेब में पढ़ाओ वन करोड़ फिफ्टी सिक्स लाख 44,000 रुपीस और वो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से 6 परसेंट पर एनएम जो है वो रिटर्न आता रहे जो कि एफडी में स्टैंडर्ड हाँ 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 हाँ। 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 तो वो हर महीने हर महीने 35 साल तक इसमें से 85,000 रुपीस जो है वो मैं इसको एक मिनट जीरो कर देता हूँ एक एक करोड़ 40 लाख रुपए आएगा वो हर महीने इसमें से बयासी हज़ार रुपये निकालता रहेगा पैंतीस साल तक वो बयासी हज़ार रुपये आराम से निकाल सकता है इस अम्प में से तो बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट बनेगा पर मंथ उसी में से मैं बयासी हज़ार रुपये निकाल के लगा सकता हूँ yes. ये मैंने कैपिटल एक जगह फ्रीज कर रखी है जिसमें से जो मेरी स्टैंडर्ड रिटर्न है उससे मैं अपने खर्चे निकाल पा रहा हूँ राइट इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि एक पच्चीस साल के व्यक्ति के पास पचास साल की उम्र में अगर एक करोड़ चौलीस लाख रुपए हो hmm. तो वो रिटायर हो सकता है और उसे हर महीने उसमें से अस्सी हज़ार रुपये के आसपास जो है पर मंथ मिलता रहेगा अब इसमें विरोधाभास क्या क्या आते हैं नंबर वन एक व्यक्ति ये पूछ सकता है कि 25 साल किसने देखे 50 साल किसने देखे अभी पैसा कमाने की बात तो कल भी किसने देखा है तो कल भी किसने देखा।, तो देखा और दूसरी बात यार आप क्या एक एज में अपने बच्चों पे बोझ बनना चाहते हो आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो कि वो पालेंगे आपको पचास साल की एज के बाद या फिर आप कुछ आज ऐसा करना चाहते हो कि पचास साल की एज के बाद आप अपना सब कुछ खुद संभालो आप खुद और मजे की बात होता है क्या इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट नंबर्स ह्यूमन एलिमेंट क्या यार पचास साल के बाद बंदा खाली बैठ जाएगा तभी तो कुछ अर्न करेगा बिल्कुल राइट और हो सकता है कि लाइफ कुछ ऐसे मोड लेके ये कुछ ज्यादा ही अच्छा अर्न कर रहा है उस समय कुछ ऐसे ये वेंचर्स के अंदर चला जाए जहां पे इसकी इन्वॉल्वमेंट कम होते हुए भी ये ठीक ठाक पैसे वहां से कमा रहा हो या कोई सैस बेस्ड सर्विस देने लग जाए या कुछ भी वो टेक प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट बेचने लग जाए तो वो सब चीजें हमने इसमें एज्यूम नहीं करी हैं अगर वो सब चीज़ें भी एज्यूम कर लें वो तो, तो ही अलग ही लेवल पे चली जाएगी कैलकुलेशन और वो बहुत जल्दी से फाइनेंशियल रिटायरमेंट जो वो अचीव कर सकता है तो ये जो सम है जो अभी आपने मेरे को 144 का दिखाया हाँ। सर, इसके ऊपर से एक बार वो हटाना मैं देख पाऊंगा हाँ, अपना हाँ, हाँ। वन फोटी फोर करोड़ चालीस लाख तेरह हज़ार पैंतालीस लाख लेते हैं एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपये अगर मेरे पास पचास साल की उम्र में सेव डब हाँ. पड़े हैं हाँ. उनको अगर मैं स्टैंडर्ड छः परसेंट की एफ डी में लगा दूँ हाँ. तो मेरे महीने का खर्चा निकलता रहेगा आराम उसके ऊपर जो मैं रिक्रिएशनली एंगेज जो भी इनकम बनाऊंगा हाँ. वो मेरी मौज के खर्चे हैं मेरे को उनको बचाना है उनको री इन्वेस्ट करना है जो करूँगा अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ मैं आपको बोलूँ कि आप ना अगर आप रिक्रिएशनली कमाई रहे हो तो इस एक करोड़ चालीस लाख को हाथ लगाने की जरूरत ही क्या है इसको अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो और 35 साल तक पड़ा रहने दो इसको क्योंकि आप रिक्रिएशनली कमा रहे हो राइट मान लो आपके घर का जो खर्चा ₹82000 लेट अस से यू आर अर्निंग ₹82000 पर मंथ तो आप इस पैसे को क्यों टच करोगे आप इस पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करके कर कर रखो और फिर आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखो वो 12 13% पे होगी आप हैरान हो जाओगे कि वो कैसे मल्टी से पहुंच चुके हैं मैं नई शीट जो है एंट्री कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू hmm. अगली शीट पर तो मैं यहाँ पे नई शीट एड कर देता हूँ राइट तो लेटेस्ट से आपके पास आज की डेट में एक करोड़ इकतालीस लाख रुपए जो है वो पड़े हुए एक करोड़ चवालीस लाख सर एक करोड़ चवालीस लाख तेरह लाख छिया हाँ छियालीस ठीक है तेरह हजार छियालीस देखो हो गया एक करोड़ चालीस लाख सर कौन सी शीट नंबर है ये है शीट नंबर सिक्स मैंने इंसर्ट करी है राइट वन करोड़ फोर्टी फोर लाख रुपीज है हाँ. आपके पास अगर पड़े हुए हैं तो आप लोग उसका क्या बना सकते हो मैं फ्यूचर वैल्यू में जाता हूँ इसके लिए फ्यूचर वैल्यू एक सिंपल सा फॉर्मिला होता है मैं लगा रहा हूँ हाँ कल मैंने है अपनी एक्सेल शीट पर भी ठीक है

थ्री लाख फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू रुपीज़ और ये लोगों को क्या नहीं ये अनरियलिस्टिक लगते हैं और मैं अगर मैं अगर पिचासी साल तक जिंदा रह गया तो मैं आपको ये अमाउंट दिखा दूंगा अपने इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको दिखा दूँगा सर दिखा। क्या पर्पज है आपकी लाइफ का मज़ा आ गया नहीं <laughs> मैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको मैं तो यही प्रूव करना चाहता हूँ अपने इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू जो मैंने बिल्कुल एकदम नो नॉलेज के साथ करी है कि भाई पैसा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन सकता है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं

यानी साल में बारह रुपए सौ साल तक मैंने डिपॉजिट किए हैं और पता है आपको उसका अमाउंट कितना बनता है एक करोड़ तिरपन लाख तैतीस हजार छह सौ छप्पन रुपए बारह रुपए इंटू सौ टोटल अगर मैं लगा के चलू तो, तो बारह सौ रुपए स... लगाए मैंने हाँ, हाँ, हाँ. और बारह सौ रुपए के मैंने हाँ. डेढ़ करोड़ रुपए बताओ अगर मैं इसी जो टोटल बारह रुपए इसको साल के शुरू में कर दू तो अमाउंट बढ़ नहीं जाएगा हम उसमें क्यों हम उन कैलकुलेशन मतलब कितना बढ़ जाएगा दस लाख पंद्रह लाख मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ अब इसमें विरोधाभास क्या आएगा सौ साल कौन जिंदा रहता है तुमने बोला नहीं तुम्हें रटवाया था हमने <laughs> 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 क्या फायदा बता रहा है एडिटर होने का <laughs> <laughs> तो सवाल ये सौ साल जिंदा कौन रहेगा <laughs> यहाँ पे अंडरलाइन बात ये नहीं कि सौ साल जिंदा कौन रहेगा यहाँ पे अंडरलाइन बात ये कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो आप आपका एक रुपया सिर्फ एक रुपये की अगर बात करूँ भूल जाओ आप एक रुपये पर मंथ भी डाल रहे हो और सिंपल करते हैं एक रुपया अगर आप आज के पास आपके पास अगर आज है बारह परसेंट पे वो अगर ग्रो कर रहा है सिर्फ एक रुपया सौ साल में वो तिरासी हज़ार रुपये बन जाते हैं एटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ बन जाते हैं That's crazy. उस एक रुपए का हम्म। hmm. ये बात लोग बाग समझ नहीं पाते हैं और कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है जिसको समझ आती थी उससे कमाता है जिसको नहीं समझ आती वो गवाता है सर मेरे को लगता है ये करियर प्रोफेशनल करियर हो कॉपरेट करियर हो hmm. आपका बिजनेस हो आपकी ब्रांड हो ये हर चीज़ पर ना hmm.

प्रॉफिट लॉस रिटर्न होंगे ना वो आपको समझ नहीं आ रहे कंपाउंडिंग की वजह से और इनफैक्ट सर राज मैं राज से बात कर रहा था राज कहता है मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ भी काम दस साल के लिए शुरू करता हूँ पहले नौ साल मेरे को पता है नुकसान होगा पर दसवें साल इतना बनाऊंगा कि कोई समझ नहीं पाएगा नहीं। और ये मेरे को लगता है ये एक ऑन्ट्रप्रियल सीजन सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ब्रेन की निशानी है कि वो कंपाउंडिंग समझ पाता है कि नहीं और वो भी बहुत मुश्किल है अपने आप में कंपाउंडिंग समझना इट इज नॉट एविडेंट मैं मैं तो एक बात बोलता हूँ ठीक है आपको कंपाउंडिंग का बेसिक आइडिया इससे लग गया अब मत पढ़ो ना तो आपको कौन कह रहा है फॉर्मुला सीखने के लिए चैट जीपीटी के जमाने में क्यों सीख रहे हो अगर आपको बाई चांस हमारी किसी कैलकुलेशन पे शक है चैट जीपीटी पे डाल दो भैया एक, एक रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी सौ साल बाद बारह परसेंट पे और एक बात मैं आपको दिखाना भूल गया प्रखर इसी शीट पे शीट नंबर जीरो फोर पे हूँ मैं हुँ. अगर मैं इसे बारह की जगह पंद्रह कर देता हूँ एक रुपए की वैल्यू को बारह की जगह पंद्रह कर देता हूँ तो क्या आंसर आता है आप देखना कि आप, आप देखो कितना आंसर आ रहा है चौबीस करोड़ से चौबिस करोड़, चौबिस करोड़ रियल हीरो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है ना आपने मैच फिक्स कर लिया है सिंपल सी बात है ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ लोग बाग यार आज की डेट में म्यूचुअल फंड में एवरेज होल्डिंग पीरियड पांच साल से ज्यादा इफ़ आई एम नॉट मैंने कहीं पढ़ा था पांच साल से ज्यादा सिर्फ तीन परसेंट लोगों का है यानी तीन परसेंट लोग हैं जो पांच साल तक रुक पाते हैं म्यूचुअल फंड में नाइन्टी सेवन परसेंट लोग मैं बल्कि इसके लिए थोड़ा सा नेट भी अगर सर्च कर देता हूँ एवरेजी सेवन परसेंट लोग एग्जिट कर लेते हैं और मेजोरिटी compound, जो कंपाउंडिंग होनी है पांच के बाद ही होनी है हाँ। वो तो एवरी नेक्स्ट ईयर इट विल कंपाउंड मोर अभी अभी देखो टिपिकली होल्डिंग पीरियड बता रहे हैं

वही बात है ना मेरी एक्टिव इनकम है तो मेरे आने वाले पंद्रह बीस पच्चीस साल में कोई प्लान नहीं भी कर सकता है कि और सर थोड़ा मतलब पता है एक ना स्टडी हुई थी कैलिफोर्निया में जो एक बहुत ही हॉट अर्थ जोन है ठीक है वहां कभी भी अर्थ एक आ सकते हैं और उस स्टडी में मेरे को डिटेल्स इतनी याद नहीं है बट वॉट देवर ट्राइंग टू फिगर आउट इज क्या आदमी

तीसरे लेवल पे सर hmm. एक चीज ये भी लगती है आज से दो तीन साल पहले ना जब मैं बच्चों की बात करता ना मैं खुद को देखता था hmm. और जब मैं मां बाप की बात करता ना तो मैं अपने मां बाप को देखता था hmm. अब जब मैं मां बाप की बात करता हूं ना सर एक लेवल पे आई कैन इमेजिन माई सेल्फ पे हॉराइजन बड़ा होना शुरू हो जाता है hmm. फिर आप बात करते हो कि यार अच्छा जो मैंने देखा है वो hmm. और लोग कैसे ना देखें इज अ फीलिंग दैट दैट मे बी अ ट्वेंटी तो ये उसके प्लान में फिगर आउट होना चाहिए ये लिखित आना चाहिए बिल्कुल है ना हंड्रेड परसेंट वो जो मैं आपको फिगर बता रहा था बिल्कुल ठीक है ओनली थ्री परसेंट ऑफ यूनिट कंटिन्यू टू फॉर मोर देन फाइव ईयर्स अच्छा अब आप ये देखो पहली बात मैं उन टॉप थ्री परसेंट में हूँ मुझे वेल्थ के हिसाब से नहीं पता बट पेशेंस के हिसाब से पता है मैं उन टॉप थ्री परसेंट के अंदर हूँ जो लोग अपने म्यूचुअल फंड पाँच साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं सिर्फ आपने एक काम करना है जो अभी हम अमाउंट दिखाएंगे आपको वो अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन अच्छे म्यूचुअल अमाउंट तो एक था तो एक्सपेंसेस हाँ, हमारे एक चालीस लाख के थे दिखाया और, और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इससे पहले कोई भाई ट्रोल करे मीम बनाए पंद्रह परसेंट इज नॉट अ रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग रन में यू शुड ऑलवेज एज्यूम समवेयर बिटवीन नाइन टू ट्वेल्व राइट और रूल और रूल ऑफ थम चाहते हो तो इंडिया में जितना इन्फ्लेन

4%, 5%, मैंने अलग अलग सिनेरियो ले रखे हैं ठीक है तो आपका रिक्वायर्ड है एक करोड़ चालीस लाख तेरह हजार छियालीस रुपए का राइट आपके पास पच्चीस साल बचे हैं अगर आप चार परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न कमाते हो तो आपको हर महीने अट्ठाईस हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लेकिन हमारा लड़का पच्चीस हजार की सैलरी उठा रहा है तो ये ऑप्शन तो गया सॉरी ठीक हाँ। है हाँ। ये है आप बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट में से पैसा लगा रहे हो चार परसेंट का रिटर्न आएगा मतलब तो विल के मैंने अलग परसेंटेज लिखी हुई है परसेंट लिखी हुई है सॉरी पांच परसेंट लिखा हुआ है छह परसेंट लिखा हुआ है अब आप यहाँ पे आ जाओ दस बारह है ना दस बारह तेरह परसेंट ये रियलिस्टिक है दस परसेंट दस हजार रुपए की आपको एस आई पी करनी है सर एक बार नीचे करना नीरज अरोड़ा जो लिखा है मेरे उसपे

लेकिन आप ये तो सोचो हमने ये भी तो एज्यूम किया कि उसकी इनकम हर साल दस परसेंट बढ़ रही है बिल्कुल आज पच्चीस हजार है तो कल सत्ताईस हजार पांच सी अगले साल और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो बढ़ती रहेगी मैं ये कहना चाहता हूं एक एवरेज फिगर है ऑब्वियसली जब आपकी एक टाइम ऐसा भी आएगा अगर हम दस परसेंट का इंक्रीमेंट लेते जाएं तो आपकी सैलरी हो सकता है लाख रुपए महीना भी हो तब भी मैं आपसे दस हजारी तो लगवा रहा हूं तब उसको बढ़ा दोगे सारी चीजें

वो मतलब हाइपर केस है वो हाइपर केस है हाँ। मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने हाँ। 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 इं, हाँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाँ। तेरह परसेंट है हाँ। तो तेरह परसेंट अचीवेबल है राइट और वो यही आप देखना मोर और लेस मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है उसका एक्स आई परसेंट है मैं 16 मार्केट में ऐसे फंड है जिन्होंने लगातार बीस साल तक अठारह 18 -18 अठारह निकाल के दिया अच्छा ऐसे म्यूचुअल फंड है और बारह तेरह परसेंट तो म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करना मतलब हम म्यूचुअल फंड की बेजती टाइप कर रहे हैं बट हम उसमें भी खुश हैं राइट अब इसमें मैंने एक चीज और डाली है अच्छा। फॉर एक्साम्पल आपके इस प्रेजन्ट प्रेजन्ट में अमाउंट है मान लो कुछ मान लो एक पच्चीस साल का बंदा है उसके पास एक लाख रुपए रूपए में पड़े हुए हैं ठीक है राइट तो मैंने वो एक लाख का फिगर इसमें डाला अब आप देखो फिगर्स पे कैसे आता है अगर तेरह परसेंट वाले पे चला जाऊं तो अब देखो मैंने उसके एक लाख रुपए ऐड कर दिया कि आज उसके पास एक लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो हर महीने कितने पैसे डाले अब डाल पांच हजार दो सौ छियासी और पहले डाल रहा था छह हजार कुछ चार सौ चौवालीस हाँ राइट तो आप ये फिगर जितना बढ़ाते जाओगे

भगवान को और इंडिया के जो भी लोग रहे जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स इंडिया में लेके हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहिए ये एक ऐसा तंत्र बनाया गया एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिससे एक आम आदमी देश के सबसे बेस्ट बिजनेसिस में इन्वेस्ट कर सकता है पैसे को डाइवर्सीफाई करके अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकता है अगेन पैसे को डाइवर्सीफाई करके देश की ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है जो आने वाले बड़े कंपनीज़ होगी फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस ऑफ टुमॉरो एच डी एफ सी ऑफ टोमारो राइट तो जो नेक्स्ट हमारी बड़ी कंपनी आने वाली है उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो आप एक बिजनेस एक बैठ ले रहे हो राइट right? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक साथ बहुत सारे बिजनेस में फ्रैक्शन में बैठ ले रहे हो राइट लेटमी सी फायरस्टैंड म्यूचुअल फंड करेक्टली मैंने एक स्टॉक पोर्टफोलियो लिया म्यूचुअल uh, फंड एक पोर्टफोलियो बनाता है उसके यूनिट्स काट देता है yes. कि इस पोर्टफोलियो का 100 हंड्रेड नीरज अरोड़ा ले गए और 100 हंड्रेड yes. अंश भटनागर ले गया yes. वो एक एक यूनिट म्यूचुअल फंड यूनिट बन जाता है yes. है ना yes. तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली काट दिया पहले लाइन yes, में लगा के yes, yes, yes. right. बिल्कुल सिंपल यही है right. कि आपके हम सबके पास बहुत सारे पैसे या थोड़े थोड़े पैसे हैं हम एक कंपनी ने अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है वहाँ पे एक फंड मैनेजर है हमने फंड मैनेजर को पैसे दिए फंड मैनेजर अपनी बुद्धि से जो है वो स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है उसके अंदर पैसे लगा रहा है। और उसका एक एक यूनिट जो है डिवाइड करके आपस में लोगों में जितना पैसा लगा है उस हिसाब से बांट रहा है और जो नया पैसा आ रहा है उसके हिसाब से फिर नए यूनिट्स दिए जा रहे हैं नए यूनिट्स लिए जा रहे हैं बट एक ही म्यूचुअल फंड में दो अलग यूनिट्स के दो अलग होल्डिंग्स तो नहीं होते होंगे ना सेम ही होल्डिंग होती होगी हाँ अगर एक स्कीम होती इनकी हाँ राइट तो उस स्कीम में सेम होल्डिंग होगी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स म्यूचुअल फंड है आपके पास भी एक्स म्यूचुअल फंड है तो आपके पास भी हंड्रेड रुपीज में पोर्टफोलियो जो आ रहा है वो सेम शेयर का रहा है मेरे पास भी सेम शेयर का आ रहा है ठीक है ठीक है तो हम बेसिकली उनकी रिस्टेकिंग एबिलिटी पे बैठ कर रहे हैं yes. और वो बैट कर रहे हैं कंपनीज की प्रॉफिट बिल्डिंग एबिलिटी पे yes. और हम उसका डाउन स्ट्रीम जो है पैसा बना रहे हैं येस yes. एक्जैक्टली exactly. ये भी नहीं करना आपको तो आप इंडिया के ऊपर बैट कर लो राइट और इंडिया के ऊपर कैसे बैट करना है इंडेक्स फंड के थ्रू उससे सिंपल कुछ है ही नहीं आप निफ्टी का रिटर्न निकाल के देखो वही बारह तेरह परसेंट के आसपास का रिटर्न है जब से निफ्टी शुरू हुई है यानी अगर एक

हम जैसे व्यक्ति तो आज के डेट में खुश होते हैं क्योंकि हमें अपनी मनचाही कंपनीज अपने मन चाहे म्यूचुअल फंड मन चाहे प्राइजेज और एन पे मिलने लग जाते हैं राइट हम तो उस समय मैं तो अपने पास एक अलग से फ़ंड रखता हूँ कि ये फ़ंड सिर्फ और सिर्फ इसमें जंग लगता रहे लगता रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये फंड तभी निकलेगा जब स्टॉक मार्केट गिरेगी और वो गिरती है उस फंड में से पैसे निकालते हैं उसको बाय कर लेते हैं और वो बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जितनी तेज़ी से जो चीज़ नीचे जाएगी उतनी तेज़ी से वो चीज़ ऊपर भी आती है कोविड देख लो आप कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गई थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बारह हज़ार पे थी और सेवनटी एट हंड्रेड पर आ गई थी और जिसे बोलते हैं ना हिंदी में त्राही माम वो मच चुका था हर जगह पे मेरे को याद है राइट right? और हम भी ऐसे देख रहे थे कि हो क्या रहा है और मिक्सड फीलिंग बड़ी मिक्सड फीलिंग कि भाई चल क्या रहा है लेकिन क्या हुआ आप नेक्स्ट एक ईयर में देखो मार्केट कहाँ से कहाँ गई और आप नेक्स्ट ये एक भी नहीं देख रहे तीन साल देख लो दो से दो अभी मैंने आपको देखा उन्नीस हज़ार पे राइट right? तो अगर अंडरलाइंग बिजनेसेस स्ट्रॉग हैं तो भाई

आपको ना हम ये कोई यहाँ कोई प्लान नहीं दे रहे हैं कि एग्जैक्ट इतना अमाउंट डालो एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं आप ये जो एस का अमाउंट निकल के आ रहा है पाँच हज़ार आप इसे हर साल दस परसेंट से बढ़ाओ आप डेढ़ करोड़ के या पंद्रह करोड़ बना जाओगे अगर आप ये पाँच हज़ार दो सौ छियासी का जो अमाउंट हमने निकाला है तेरह परसेंट के रिटर्न को मैं ज्यूम कर रहे हैं सिर्फ पाँच हज़ार दो सौ छियासी रुपये आपसे डालने के लिए कह रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे हर साल दस परसेंट से बढ़ाओ हर साल यानी कि आज आप कर रहे हो अगले साल से पचपन सौ पूरे साल की आपकी एसआई जाएगी अगले साल से पचपन सौ का दस परसेंट के आपकी पूरे साल की एसआई जाएगी क्रेजी फिगर्स निकलेंगे आप विश, ये वैसे ही है कि आपका वेट जो है बारह किलो लूज हो गया तो आप उसके बाद यहाँ देखोगे बोलोगे खराब है हमारे पास कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट उसमें दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे पास कैलकुलेशन है जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना जो लाइव सेशन में हमारे बच्चे बैठे होते हैं ना अचानक से बीस परसेंट कम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता नहीं हो ही सकता और मैं कह रहा हूं कि भाई माई लाइफ इज डेडिकेटेड दिस मैं मैं करके दिखाऊंगा ये हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत भर भर के कर रहा हूं अब मैं शायद उस स्टेज पे नहीं कि मैं 10 हूं दस परसेंट बढ़ा पाऊ क्यों नहीं हूं क्योंकि मेरी इनिशियल जो बहुत बड़ा है राइट मतलब मान लो मैं समझ, गया, आप मैं समझ गया तो 10 परसेंट बहुत बड़ा उसको बहुत और मैं बात आपको प्रूव करके दिखा दूंगा आन, मुझे आप बीस साल दो बीस साल बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास म्यूचुअल फंड का क्या पोर्टफोलियो है मैं पब्लिकली आकर दिखाऊंगा मेरा पोर्टफोलियो क्या है मुझे पता है बीस साल तक मैंने बेचना है नहीं आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट मुझे पता है कि बारह पंद्रह परसेंट का रिटर्न मिलता रहेगा बारह से पंद्रह परसेंट का रिटर्न क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सोलह परसेंट का एक्स आ रहा है मुझे आपको तो मेरे इंडेक्स फंड पे एक्स एक रैंडम पोर्टफोलियो रैंडम फोलियो अगर मैं उठा लूँ अपना सत्रह अठारह का एक्स आ रहा है कैसे क्योंकि मैंने कोविड में बहुत इन्वेस्ट किया था तो, yes. तो, yes. 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 तो कोविड को मैसेज देना चाहूंगा उससे भाई अगर मैं कर सकता था तो आप भी कर सकते थे और आप आगे भी कर सकते हो कीप इट सिंपल कीप इट पर्सनलाइज आप दूसरे से इंस्पायर होकर दूसरे से ये इंस्पिरेशन नहीं लेनी वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर करो तो मैं भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूँ वेशन नहीं आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेने आपको हीरो नहीं बनना है रिस्क लेके आपको रिस्क लेना है आप अपने जर्नी में रिस्क लो वहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा और वहाँ पे ना एक्चुअली में आपको अपनी आप अपनी कैपेबिलिटीज पे दाव लगा रहे हो जब आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में रिस्क ले रहे हो तो आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें बिल्कुल आप एक अलग तरह के स्ट्रेस में चले जाओगे और जब आप अपनी कैपेबिलिटीज कैबेटीज दाव लगाते हो अपनी कैपेबिलिटीज आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से बिल्कुल मुझे पता है मुझे दिन में भाई तीन क्लास लेनी है तो मैं पढ़ाऊंगा तीन क्लासेस मुझे पता है कि एक बैच मैंने रिस्क लेके लॉन्च किया तो मैं उसमें जुट जाऊंगा अच्छी तरीके से लेकिन आप स्टॉक मार्केट को नहीं वो कर सकते ना कर सकते रिस्क लेकर नहीं बिल्कुल सही बात है सर और मेरे को लगता है जो रिस्क लेने का पर्पज ये एक तरीके से आउटसोर्स रिस्क है ना, ना, ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मैंने म्यूचुअल फंड पे या मैंने कंपनी पे पैसा लगाया और वो मेरे बिहाफ पे रिस्क ले रहे हैं जब आदमी ऑन्टरप्रनोर यानी खुद से रिस्क लेता है ना सब चीजें एक तरफ जो आदमी बन जाता है ना उसकी भी कुछ कीमत है लाइक कल मैं ऐसी एक रैंडम रील देख रहा था और कभी कभी जेनुअनली रील्स पे ना ऐसी ज्ञान की बात कभी कभी सिर्फ शेर आता है और कभी कभी बहुत ज्ञान की बात भी आती है ठीक है

आई बीन लकी सर मेरे को ना बहुत बड़े जो लोग जिन्होंने लाइफ में अच्छा किया वो मेरे को बड़ा हेल्प करते हैं मेरे मेंटोर्स बन जाते हैं <laughs> तो मैंने कईयों से पूछा है जिनकी कुछ कुछ चुकी कंपनियां तो हंड्रेड मिलियन डॉलर प्लस आई एम नॉट सेइंग एन एग्जैक्ट फिगर बट वे प्लस एंड आई एम लाइक सो वुड यू थिंक आई कैन डू राइट आई वॉज प्रोफेसर एट कोलंबिया दिस क्वेश्चन वुड यू थिंक मैं क्या करूं जब मैं छोटा था मैं के पूछता था मैं क्या करूं <laughs> <laughs> तो मेरे को सब ये कहते थे तेरे पास वक्त है मैं सोचता था क्या वक्त है वक्त का क्या मतलब है बट कंपाउंडिंग तो एक क्लियर मैथमेटिकल एग्जाम्पल है भी मैं देखता हूं, सर, लोग यही कहते है, काश हमसे हम का का, का बड़ा खूबसूरत है नहीं। फिर आप कहा निकलो कहा ना निकलो नहीं। आम, पर गोइंग बैक टू क्वेश्चन मेरे को एक दो चीजें और क्लियर करनी है हमने ये अमाउंट फिगर आउट कर लिए कि मेरे को एक चवालीस बनाने है भाई साहब अगर मेरे को बयासी रुपए का खर्चा निकालना है आज से

मैं एक बात तो समझ चुका हूँ अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है आज के टाइम में तो बेस्ट एसेट क्लास है इक्विटी अब इक्विटी के अंदर एंट्री लेने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं आप ऐसा समझो कि आपको यहाँ से जाना है जिम कॉर्बेट आपके पास दो रास्ते हैं या तो भाई आप अपनी फॉर्चूनर उठाओ खुद चले जाओ या फिर आप एक ड्राइवर को हायर करो भाई तू चला ले मैं पीछे बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ बस यही फ़र्क है डायरेक्ट स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्टॉक में आप खुद गाड़ी चला रहे हो आप खुद नेविगेट करोगे आप खुद ब्रेकर्स के हिसाब लगाओगे कि भाई गड्ढा आ रहा है कैसे निकालनी क्या करना है म्यूचुअल फंड में आपने ड्राइवर एक फंड मैनेजर को हायर कर रखा है ये वो ड्राइव कर रहा है वो ध्यान रखे और ड्राइवर दो परसेंट ले रहा है दो परसेंट ले रहा है एक परसेंट ले रहा है पॉइंट मतलब इनके एएमसी कहते हैं आपसे कुछ जो है एक्सपेंस रेशियो के नाम से चार्ज करती है उसमें कुछ देने में आपको हर्ज नहीं होना चाहिए हाँ, तो हाँ। मैं मैंने, मैंने पुरजोर कोशिश कर ली तो डायरेक्ट स्टॉक्स में पंद्रह कमा पा रहा हूँ मेरा म्यूचुअल फंड सोलह दे रहा है कोई सोलह दे रहा है कोई तेरह दे रहा है तो भाई अगर मैं वो पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ उसमें जब मैं स्ट्रेस एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड रिटर्न ज्यादा अच्छे लग रहा है आपने क्या करना है आपने इक्विटी को चूज करना है इक्विटी में फंड right? right. right. फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चलता आ रहा है सिर्फ हमें पास रिटर्न पे डिसाइड नहीं करना चाहिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फंड कितना वोलेटाइल है यानी मार्केट जब गिरती वो बहुत ज्यादा गिर जाता है

टेक्निकल लोग चाहें तो रोलिंग रिटर्न्स को पढ़ सकते हैं राइट रोलिंग रिटर्न्स को स्टडी करेंगे रोलिंग रिटर्न्स कैसे निकलते हैं रोलिंग रिटर्न एक बहुत अच्छा पैरामीटर है किसी भी म्यूचुअल फंड को मापने का कि ये सही है या नहीं तो आप मेरे मेरे हिसाब से तो एक आम व्यक्ति को म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए कमाल की चीज़ है वो हम लोग ब्लेस्ड हैं हमारे पास आज आजीवन में ऐसी ऐप्स हैं आप चार क्लिक पे इंडिया के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकते हो जितना मर्जी चाहे पैसा लगा सकते हो जब मर्जी चाहे अपना पैसा लगा सकते हो तो आप एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी में जो है जी रहे हो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेज एडवांटेज नंबर वन कि आप कम से कम से से अमाउंट में ज्यादा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो फॉर right. एक्साम्पल एक कंपनी पेज इंडस्ट्रीज उसका एक शेयर इफ एम नॉट आज की डेट में अड़तीस हजार रुपए के आसपास का चल रहा होगा छत्तीस हजार के आसपास का चल रहा होगा मैं एक्जैक्ट प्राइस आपको देख के बताता हूँ अड़तीस हजार दो सौ छप्पन रुपए का चल रहा है आज हो सकता है ना हर किसी के पास तो अड़तीस हजार रुपए होंगे नहीं।, नहीं लेकिन किसी म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है right. तो आप पांच सौ रुपए में भी उसकी एक फ्रैक्शनल होल्डिंग अपने पास ले सकते हो तो मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन देता है फंड मैनेजर की स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है लोग बाग इसको ऐसे देखते हैं कि फंड मैनेजर का रिस्क भी आप उठाते हो बिल्कुल उठाते हो और उसी के लिए आपको बेसिक रिसर्च जो है वो करना चाहिए आप एक बंदे पे विश्वास कर रहे हो तो आपको पहले उस पर रिसर्च करना चाहिए कहने किसी के कहने पर उस फंड में पैसा मत लगाओ आठ दस पैरामीटर्स हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे कोर्सेज भी कराते हैं उसके अंदर तो मैंने सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर रखें आठ दस वो पैरामीटर्स अगर आप देख लें तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आप पक्की बात है एफ डी से एक अच्छा रिटर्न जो है वो निकाल लेंगे राइट जिसमें से एक रोलिंग रिटर्न मैंने आपको बताई दिया एक पोर्टफोलियो टर्न ओवर होता है बहुत सारे तरह के ऐसे पैरामीटर्स हैं और क्या म्यूचुअल फंड के एडवांटेज हैं मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन मिल गया आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ मिल गई तीसरी बात आपके पास ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है वो स्टॉक में भी हो सकती है बट म्यूचुअल फंड में मैं ज्यादा अच्छे से फील कर पाता हूँ मुझे ना डीमार्ट नहीं चाहिए मुझे रोज रोज जो है वो ऊपर नीचे की वोलेटिलिटी दिखती नहीं है आपके स्टॉक्स में क्या होता है जब अकाउंट खोला या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा और आपकी दिल की धड़कने तेज होती रहेंगी म्यूचुअल फंड में आपको एनए yes, yes. हाँ. दिखती है और ज्यादातर लोग आप पाओगे अगर आप दो लोगों का कंपेयर करोगे मान लो अंश है और मैं हूँ अंश डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं म्यूचुअल फंड में हूँ

मार्गन हाउसल से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनकी किताबों से और मजा की बात पता है क्या है कोई भी किताब पढ़ लो प्रखर दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले कहीं नहीं गई राइट वही बातें रिपीट होती हैं अच्छी तरीके से स्टोरी फॉर्म में रिपीट होती है तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है या तो फिर राइमिंग फॉर्म में हाँ, तो इश्क है राइट तो मॉर्गन हाउजल ने वही पुरानी बिल्कुल वो पुरानी बातें स्टोरी फॉर्म में हमारे सामने रखी है और वो बातें मेरे पर इतना इम्पैक्ट डालती है मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मैं रिलेट कर पा रहा था कॉर्नर स्टोन ऑफ एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज अ गुड नाइट ब्रिलियंट तो आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही किसी फाइनेंशियल डिसीजन के बाद तो वो गड़बड़ है डिसीजन सर कभी कभी तो मेरा इस विचार ये आता है कि hmm. शायद जो आपकी लाइफ का अर्ली स्ट्रगलिंग बिल्डिंग और सेल्फ फेज होता है वहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं। मैं मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी जर्नी में हो सकता है ये साठ साल तक भी अप्लाई ना करते अच्छा लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये डे वन से होना चाहिए ठीक है कि आपको इन्वेस्टिंग को लेकर स्ट्रेस ना हो राइट right. हाँ, अच्छा म्यूचुअल हाँ, फंड right. का एक और एडवांटेज टाइम सेविंग जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो लोगों को लगता है कि स्टॉक खरीद लिया तो बढ़ जाएगा भाई उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है राइट right. right. वो रिसर्च का टाइम अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन को दे सकते हो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो वो रिसर्च का टाइम मैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन को देता हूँ कि भाई मेरे, मेरे लिए सब कुछ तो है ना मेरे लिए एक्टिव इनकम जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा तो पढ़ाने से ही तो मैं अपने पढ़ाने में फोकस रखता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहा हैं वो इन्वेस्ट कर रहा है दैट्स इट देखो सर सच यही है hmm. कि एक करोड़ रुपए की वैल्यू 22 साल के बच्चे के लिए hmm. बहुत ज्यादा right? hmm. वो राइट खर्चने में भी जो फन आता है ना hmm. वो 22 साल के आदमी को ही आता है hmm. hmm. right? hmm. समथिंग टू hmm. आपका रिटायरमेंट फंड अराउंड की प्रॉब्लम सोल्व exactly. कर सकता है exactly. जिसको अगर आप 12 महीने और पैंतीस साल में मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत बड़ा सम होता है।, है आप अगर उस लेवल पे भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो थोड़ी घर बैठ के चने खा रहे हो आप अपने जीवन में भी कुछ करो हम एक्टिव इनकम में से और आपके एक्टिव परसूच में से तो कुछ नहीं काट रहे ना ये बात बोलते हुए मैं कभी कहता ही नहीं यार अगर आपने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी तो तो आप बहुत ही बेवकूफ हो अपनी लाइफ को जो आप पैसा कमा रहे हो बस मैं एक रिक्वेस्ट ये जरूर करता हूँ कि आप पहले अपनी सैलरी में से इन्वेस्टिंग अमाउंट निकाल लो उसके बाद आप बचे हुए पैसे से क्या कर रहे हो वो आप जानो आप किस किसमें उसको एंजॉय कर रहे हो आप करो आप और एक बात और के शो ऑफ़ करने के लिए चीज़ें मत लो शो ऑफ करने के लिए गाड़ियाँ जूते ये सब मत लो और ये सब कहाँ से आ रहा है फोमो सोशल मीडिया से आ रहा है मैं एक बार ऐसे ही कुछ फाइनेंस पे डिस्कशन चल रहा था मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था तो हमने वो कुछ व्लॉगिंग चैनल्स वगैरह देखता तो उसने मुझे बोला देखियो भाई आज कल इतनी गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं और मैंने देखा ऑलमोस्ट हर व्लागर या तो गाड़ी या तो बाइक फ्लॉन्ट कर रहा है मैं सोच रहा हूँ कि उसका इंपैक्ट देखने वालों पर क्या पड़ रहा है उनका टारगेट हो गया कि मैंने भी यही गाड़ी लेनी है

मैं अपने पैसे को इन्जॉय भी करता हूँ इन्वेस्टिंग मेरी टॉप प्रायरिटी रहती है उसके बाद अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं घर वालों की नीड्स हैं उनको मैं पूरा फुलफिल भी करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर जो बच जाता है फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और कहानी का सार ये है कि भाई एक्टिव इनकम अपनी खूब बढ़ाओ एक्टिव इनकम का एक फिक्स पोर्शन होना चाहिए जो इन्वेस्ट हो और वो फिक्स पोर्शन आपके एक्टिव इनकम के प्रपोर्शन में बढ़ते रहना चाहिए इट इज़ एज सिंपल एज दैट राइट इन्वेस्टिंग के लिए हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड पास एप्स हैं क्लिक करो इन्वेस्ट करो

पहले खुद को जानो अपने से बात करो एक गूगल डॉक में मैं अपने आप को ईमेल डालता हूं लिखता रहूंगा बात करता रहूंगा और जितनी चीजें मैं समझता हूं खुद को लिख के ही समझता हूं फिर आपने बोला अपनी एडुकेशन को इग्नोर मत करो ये एक बड़ा पॉपुलर ट्रेंड है इंटरनेट पे जहां पे क्या एमबीए और क्या आईआईटी बट फैक्ट ऑफ द मैटर जो वो लेवरेज दे सकता है सर

फिर हम मान के चलते हैं कि आदमी एडुकेशन से जॉब तक का ब्रिज जो है रफली फिल कर लेता है टॉप टेन परसेंट आदमी की बात कर रहे हैं वहां से आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात शुरू करी वो मेरे को फिनिश करें वो बता दो क्या है इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको अपनी बहुत सिंपल रखनी है आपको अपने नंबर अप्रॉक्सिमेशन में हमेशा ढूंढने हैं कभी भी आप एक फिक्स नंबर के बीच में भागो कि भाई मेरे को पंद्रह परसेंट रिटर्न चाहिए तेरह परसेंट रिटर्न चाहिए एक ब्रैकेट में आप अपना रिटर्न फिक्स कर लो सबसे पहले आप अपना नंबर ढूंढो कि भाई आपको रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए क्या पैसे चाहिए राइट और उस रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए जो मैंने आपको फॉर्मलेट समझाया जो मैंने चीज समझाई उससे आप एक अपना फिगर निकाल सकते हो कि हर महीने आपको क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना है आपके पास जब फिगर आ जाएगा तो आप देखना इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो मैं बोल रहा बोलो ना पैसा आए तो पहले इन्वेस्टिंग में डालो क्यों नहीं डालते लोग पहले इन्वेस्ट करने के लिए फिगर ही नहीं है हाँ फिगर ही नहीं है क्लैरिटी नहीं है गोल पोस्ट ही नहीं आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं है तो मूवमेंट नहीं है स्टैंडर्ड तो जैसे ही आपको वो गोल पोस्ट पता चल जाएगा आप वो फिगर अपने आप पे इन्वेस्ट करने लग जाओगे अब आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसे अपनी इनकम के प्रोपोर्शन में बढ़ाते रहे फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है पच्चीस हजार तो आप उसका लेटेस्ट से पांच हजार इन्वेस्ट करते थे जब आपकी सैलरी हो जाएगी तीस हजार तो उसी प्रपोर्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, दो। right. सिंपल है hmm. ये इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है जब आप उस पैसे को बनते हुए देखोगे आप अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे आपको पैसों की जरूरत होगी नहीं फिर भी आपको लगेगा देखो सिंपलिसिटी से मैंने एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दिया है जो मेरे बिना 24 घंटे जो है वो चल रहा है 24 घंटे उसका मीटर जो है वो ऑन है मैं चाहे काम करूं या ना करूं ये वाला मीटर मेरा ऑन रहेगा राइट right. और फिर इसी साथ इसी के साथ हमने जो लास्ट में बोला कि भाई इस दौरान अपनी लाइफ को पूरा इन्जॉय करें जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप परस्यू करें अच्छे तरीके से कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है पैसा आपका सही चलता रहेगा और जब आप इस एज पे पहुंच जाएँ हो सकता है वो बहुत जल्दी पहुंच जाए हमने फिर भी 25 साल का समय लिया अगर एक समझदार व्यक्ति मेहनत करता है जोर लगाता है यार अगर मैं अपनी बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने पच्चीस साल में काम करना शुरू किया था और बत्तीस साल की उम्र में वो फिगर मेरे पास था मेरी जेब में था जिसको मैं बोल सकता था कि अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है इसको ये थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ वर्क आपने हाउ मच मनी डिड यू मेक गिव डिव रेंज अब जो मैं टैक्स पे करता हूँ उसका शायद आधा परसेंट या एक परसेंट था सर ये रेंज नहीं है ये तो आपने परसेंटेज की परसेंटेज बोल दी है आपने मेरे को बोला तीस परसेंट का आधा परसेंट ठीक है मैं आपसे और स्टैंडर्ड बात पूछ रहा हूँ मैं आप मेरे को रेंज दो अंडर वन लाख रुपीज फर्स्ट ईयर ऑफ वर्किंग जब मैं सीए बना था हाँ सी ए बनने से ज्यादा थी टोटल साल की टोटल तो तो महीने की, की कितनी थी महीने की तो इससे बहुत कम थी हाँ तो मतलब पच्चीस आसपास लगा लू आ, हाँ हा, सकता आप तो right आपको बाल चला देने वाली बात है दो हजार तेईस में दो हजार भी खरीद के दे दो सर मैं इसको कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता आई थिंक जो भी क्लास वन टीचर्स हैं सी ए को सब इतना कमा रहे हैं इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे मैंने फिर और भी वेंचर्स किए साथ में और भी मैंने एडवेंचर्स भी किए साथ में राइट right? स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया वहाँ से बहुत अर्न किया स्टॉक मार्केट से तो अर्न कर ही रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वेंचर्स बनाए जैसे स्किल 91 है लर्न 91 है एडी नाइन्टी वन एक है कुछ ऐसे ऐसे वेंचर्स बना दिए जिनसे रॉयल्टी आती है सिर्फ राइट right? एफिलेट की इनकम बहुत ज़बरदस्त आती है जिसको मैं मतलब जिसको मैं खोल के भी देखता हूँ कि क्या आ रहा है यहाँ से

वो बड़ी भूख रखे वो पाथ इमेजिन कर पाए पहले मैं इस चीज को रेट नहीं करता था मेरे को नहीं लगता था कि आदमी दूसरे आदमी की बायोग्राफी से उनकी जर्नी से कुछ सीख सकता है मेरे को लगता था ठीक है एक्सपीरियंस वो हम बात से भी सीख सकते हैं बट वेन यूलो पीपल हाँ मैं भी शायद ये कर सकता हूं। और वो नीव है सर सक्सेस की मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रखर कि ये जो हमारी बातचीत हुई ना अभी प्लीज़ इसको ऐसे ना लेके हम कुछ शो ऑफ कर रहे हैं मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था जो बात शुरू हुई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पचास साल तक मेहनत करनी ही पड़े राइट right. आप अगर सही डायरेक्शन आपको मिल गई आपको और लक का भी रोल रहता है यार इसके अंदर मैंने एक बहुत हैंडसम अमाउंट एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उससे जब मैंने उसको बेचा तब कमाया वो लक था उसमें कोई और भी इन्वेस्ट कर सकता था या हो सकता है मैं इन्वेस्ट ना करता वो लक था वो शेयर लक था 2020 में मेरे पास पैसे पड़े थे वो शेयर लक था अगर मेरे पास पैसे ना होते मैं उसमें कहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता आपके पास लक आपका हार्डवर्क आपकी सही डायरेक्शन अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि दस साल में आप गेम बना सकते हो और मैं ही नहीं मेरे जैसे हजारों लाखों लोग भी होंगे जिन्होंने दस साल के छोटे टाइम स्पैन में अपनी बहुत कम इनकम को बहुत आगे तक को ले गए बहुत बड़ा उन्होंने बनाया बट उसके लिए जो मुझे लगता है अगेन पता है क्या प्रकार मैं मैं इस बात को ना हमेशा से इग्नोर करता हूँ लोग वह बोलते हैं हार्ड वर्क हो गया जी हमारी ये स्टोरी है जी हमारे जेब में इतने पैसे आपने कभी मुझे सुन, सुना नहीं होगा ऐसे बोलते हुए मुझे इंटरेस्ट नहीं मेहनत करी इंजॉय किया इंडिया की कहानी। गरीबी से अमीरी कहानी नहीं होनी चाहिए सर अमीरी से बहुत अमीरी तक की कहानी हाँ, होनी अब हाँ, मुझे लगता है कि मैं किसी को इंस्पायर मतलब पता नहीं इसको कैसे बोलू मैं बट मैंने देखा हर कोई ने ऐसा शुरू करता मैं बहुत गरीब था मुझे क्या करना है यार ये बता के मुझे बस ये पता है कि भाई मैं काम को पसंद करता था मैंने उस काम को दिन रात किया मैंने उसे स्ट्रगल भी नहीं माना स्ट्रगल तो वो होता है ना जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आपको वो करनी पड़ रही है बिल्कुल अगर मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं दिन में अठारह घंटे उसी के अंदर जुट गया अगर तो उसे नशा गएंगे तो मैं तो उसे बोलूंगा मैं तो इन्जॉय किया उसे हाँ, हाँ मतलब रात मतलब अभी भी मेरी सी फाइनल के बैचेस थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा होना चाहिए ना कि भाई मैं अपनी लाइफ को जितना इन्जॉय कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं अभी भी अगर मेरी आठ बजे क्लास होती है सी फाइनल की मैं सुबह साढ़े चार पाँच बजे उठ जाता हूँ

सिंपल अगर उस पच्चीस हज़ार को सात आठ परसेंट से इंक्रीज करता रहे कर तो भी बहुत ऊपर पहुंच सकता है हुँ. लेकिन पच्चीस हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन सही लक सही कंपनी सही हार्डवर्क करे तो वो शायद ये काम पाँच दस साल में भी कर सकता है उसको सर मैं लक बोल के शायद डायल्यूट ना करना चाहूँ शायद ये मेरी जवानी है बट मैं ये सोचता हूँ वो ना एक सीधा मतलब वो एक सीधे रास्ते पे चलने वाली बात है हुँ. ऐसा है, हो सकता है 2026 हजार छब्बीस में टचवुड फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हो हम 2020 right. में नहीं थे right. तो वो बात ये कि आप क्या एक के बाद एक कदम जमा के चलते जा रहे हो right. तो अपर्चुनिटी भी अपने आप आनी शुरू होती है right. जीवन का किसको पता है इतना बड़ा संसार है इतने सारे फैक्टर्स है हमारे right. कंट्रोल में नहीं है बट right. क्या हम आज गिवन आर वेरिएबल्स गिवन आर इंफॉर्मेशन गिवन वॉट वी हैव आर वी मेकिंग द बेस्ट एफर्ट एम आई द मोस्ट सिंसियर टू वर्ड माई वर्क एम आई कमिटेड एंड डिवोटेड टू माई कॉज इफ आई एम देन वेल द वर्ल्ड कैन लाफ Initially Initially it 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 can can seem seem like like a failure. Initially, right. it can seem like it is not enough, but eventually sense will prevail. Right. Right. और इसमें बस यार यही है मतलब ये बात na बहुत important है और ये message बहुत strongly जाना चाहिए कि it is possible. और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेरे जैसे व्यक्ति ने कर लिया ना मुझे सिर्फ पढ़ाना आता था और पढ़ाना भी सच बताऊँ मुझे सिर्फ बोलना आता था पढ़ाना तो कोई भी कर सकता है आप भी बुक रीड करो आप भी बता दोगे मुझे उस बात को सामने वाले तक पहुँचाना आता था टेक्निकल सब्जेक्ट्स को

और साथ में कोर्सेज भी हैं तो जहाँ आप ज्वाइन करना चाहें वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं मैं किसी तरह की बाइंग सेलिंग टिप्स नहीं देता हूँ पहले ही क्लियर कर दूँ मेरे रिटर्न बहुत क्लियर हैं बहुत सिंपल हैं मुझे ट्रेडिंग नहीं आती मुझे फ्यूचर्स डेरेविटिव नहीं आते बट मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक व्यक्ति जो कोने से कोने में बैठा हुआ है ना हमारे ऑफिस में तिवारी जी हैं मैंने उनका भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाना शुरू कर दिया और तिवारी जी जो हेल्प है हाँ जी जो हमारी हेल्प करते हैं आप हर चीज़ में हुँ. वो भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए आज की डेट में उनकी मैंने एस आई पीज नहीं करवाई हैं लेकिन मैंने उनको एक एक डायरेक्शन दे रखी है और मैं उस पर थोड़ा कंट्रोल भी रखता हूँ कि आपने पर मंथ एक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना ही करना है हुँ. राइट और जब भी स्टॉक मार्केट में फॉल आता है कोई बड़ा फॉल जब आता है जो मुझे लगता है कि सब्सटैशियल अमाउंट से जो है नीचे चली गई है हुँ. तो मैं उनको भी एक बार नज कर देता हूँ कि आप अगर पाँच सौ हजार रुपये लगाना चाहते हैं और तो आप इस समय लगा सकते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया में हर एक व्यक्ति फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो एटलीस्ट इक्विटी के अंदर इन्वॉल्व हो सेफली इन्वॉल्व हो मुझे समझ नहीं आता कि लोग बात इतना रोला रप्पा क्यों पा रखते हैं भाई कि हाई स्टॉक मार्केट में पैसे डूब गए ये हो गया वो हो गया ये उन्हीं के डूबते हैं जो बिना सोचे समझे बॉरोड मनी पे बॉरोड कन्विक्शन पे आ जाते हैं और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट की बुराई करते रहेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे बॉरोड कन्विक्शन इवन दो आई थिंक हमने बहुत लंबी बात कर ली बट बॉरोड कन्विक्शन पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ सर ये एक ऐसा दिमाग का इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्लिप राइट हम रियलाइज नहीं करते मैंने सुन ली बात अंश से

मैं जब मैं यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रहा था बाहर मैं सीए कर रहा था तो मैं एक का, करियर काउंसलर के पास गया उसने मेरे को आंखों में देख के बोला तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो चुपचाप जो कर रहे हो वो करो और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला किस्मत है सर मेरी कि मैं सुनता नहीं आसानी से लोगों की मैं घर आया मैंने बोला मतलब गाली देख चूं इसको कुछ नहीं बताया और मैं अपने रस्ते पे चलता रहा मैं उसका डिफरेंस देख सकता हूं अगर मैं उसकी बोरोर क्रेडिबिलिटी ले लेता हो सकता है मेरी लाइफ ये नहीं होती और अगेन माइक्रो इंस्टेंस बट दीज आर एवरीवेयर सर बोरोडिबिलिटी वाले इंस्टेंसेज स्टॉक मार्केट में यू विल ऑल्सो लूज मनी बिकॉज यू ट्रस्ट पीपल यू डोंट इंटायर नो राइट बट थैंक यू सो मच सर ये करने के लिए हम आपको मिलेंगे अगली बार और हम डिस्कस करेंगे मॉर्गन हाउसल की किताब done, done.